सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूँ रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अभी हम आज जो डिस्कस करेंगे, आज जो चर्चा करेंगे वो गोले के बारे में करेंगे। गोला फेंक एक इवेंट है आपके, जिसके मैक्सिमम मार्क्स है 30, पता नहीं ये चीज़, 30 मार्क्स उसके मैक्सिमम है। और उसमें अगर आप कितने फिट तक, 16 फिट या उससे ज़्यादा फेंकते हो तो कितने नंबर मिलेंगे, पूरे 30 मार्क्स मिलेंगे। उससे कम कितने फिट पर, 15 फिट पर। अगर 15 फिट तक आप गोला फेंकते हो तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, और अगर 14 फिट क्रॉस करते हो तो मिलेंगे 10 अंक सिर्फ, और 14 फिट से अगर नीचे रहता है गोला तो 0 अंक मिलेगा। अब इसमें वैसे तो सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, लेकिन जो बच्चे नए आए उनके लिए एक बार फिर बता देता हूँ, गोला एक बार लेके आना, गोला लेके आओ शाबाश। देखिए क्या करना है, इस तरह से वहाँ एक राउंड होगा, एक गोला ही बना हुआ होगा, यहाँ भी एक गोला हाथ में होगा और एक गोला नीचे बना हुआ होगा। उस गोले के अंदर आपको जाके खड़ा होना है। खड़ा होने के बाद क्या करना है, इतनी जगह उस गोले की होगी कि उसमें आप भाग नहीं सकते, आपको पैर ज़्यादा उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ताकत ज़्यादा लगती है तो आप इस पैर को उठा सकते हो, फेंकते समय इस पैर को पहले फेंकने से पहले उठा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मैं आराम से फेंक सकता हूँ तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप टिका के भी कर सकते हो। पैर को टिका के रखिए, पोजिशन बनाइए। अगर आपको इस तरफ फेंकना है तो आपकी पोजिशन, मुंह आपका इस साइड में होगा, पकड़ लिया हमने, जैसे भी आप अच्छा फेंक सकते हो उसी तरह से पकड़ना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए नज़र थोड़ा सा देखना है, जहाँ आपको फेंकना है दो तीन लाइन वहाँ लगी हुई होंगी, तीन लाइनें लगी होंगी, 14 फीट, 15 फीट और 16 फीट। जहाँ तक नज़र जाती है आपकी, आपको लगता है 16 फीट से आगे फेंकना है तो 16 फीट पर ही आपकी नज़र रहनी चाहिए, उससे पहले वाली जो दो लाइन है उनको नहीं देखना है। बॉडी को पूरा आप झुलाइए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा करिए, और जब आपका मन करता है कि अब मेरी मैक्सिमम हाइट जाएगी उस समय ताकत लगाइए पूरी। और इसमें जो ताकत लगती है वो कहाँ से लगती है, शोल्डर से लगती है, कंधे से ताकत लगती है, हाथ की पावर से ज़्यादा काम नहीं होगा, कंधे की ताकत चाहिए और साथ साथ बॉडी में भी थोड़ा सा स्टेमिना ताकत चाहिए। सारे इवेंट सारे काम वो स्टेमिना से होते हैं और वो सारी एक्सरसाइज करने से आएगी। फेंकते समय देखिए ज़्यादा पीछे हाथ ले जाने की जरूरत नहीं है, चोट भी लग सकती है अगर आप हाथ फैलाते हो ना इस तरह से, अगर हाथ फैला के फेंकते हो तो चोट लग सकती है। हाथ को नज़दीक ही रखिए, कंधे को नज़दीक रखिए, बस इतना ही, इस तरह से रखिए। दो तीन बार झूलना है, दो तीन बार बॉडी को लंजिंग देना है और उसके बाद में फेंकना। आपको फेंकते समय देखिए मैक्सिमम हाइट जाता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 45 डिग्री पर अगर अपन गोले को फेंकेंगे तो मैक्सिमम दूरी जाता है। ये साइंस का रूल है, मैं नहीं बता रहा हूँ, कोई दूसरा बताने से भी मानने की जरूरत नहीं है। 45 डिग्री अगर हम ऊपर से फेंकेंगे, अगर हम ज़्यादा ऊपर से फेंकेंगे तो ताकत रास्ते में लग जाएगी, उसको ऊपर उठाने में ताकत ज़्यादा लगेगी, और अगर हम नीचा फेंकते हैं तो गोले में ताकत रहेगी लेकिन वो ज़मीन को टच कर जाएगा, उसके बाद में वो रेंग के चलेगा गोला। तो मैक्सिमम जो ताकत लगेगी, मैक्सिमम जो दूरी जाता है गोला, वो 45 डिग्री फेंकने से जाता है। और 45 डिग्री कहाँ होगा, ये एक लाइन लंबी खड़ी कर दीजिए, एक लाइन नीचे खड़ी हुई है, इन दोनों के जो बीच से जो लाइन जा रही है वो लाइन 45 डिग्री की है, उस पर मैक्सिमम जाएगा गोला। देखिए एक बार देख लीजिए, इस तरह से झुलाना है दो बार, शाबाश। इसके बाद फेंकेंगे 45 डिग्री, देखना ज़्यादा हाइट नहीं लेनी है, ये शाबाश, उठा के लाए शाबाश, लाइन खींच दो एक वहाँ, इसको क्रॉस करना है आपको, सबको इस लाइन को क्रॉस करना है, जो लाइन मैंने फेंकी है इस लाइन को क्रॉस करना है सबको, शाबाश। देखना भी कर करके देखेंगे, पहले मिट्टी लगाओ हाथों के मिट्टी लगाओ, पहले सबके हाथों पे मिट्टी लगी हुई होनी चाहिए, मिट्टी लगा लीजिए, पूरा मिट्टी रगड़ लीजिए, हाँ शाबाश, देखना भी शाबाश, देखना बहुत बढ़िया, गुड शाबाश। एक चीज और रहेगी इसमें, छोटी सी एक चीज का और ध्यान रखिए, एक दो इसमें फाउल्स होते हैं, फाउल्स का ध्यान रखिए। अगर आपने गोला बहुत अच्छा फेंका है, बहुत अच्छा गोला आपने फेंका है, लेकिन अगर आप फाउल कर गए तो 0 नंबर मिलेगा। फाउल कैसे होता है इसमें, ये चीज़ देख लीजिए, एक तो जो लाइन चारों तरफ से जो गोले के लिए जो लाइन लगी हुई होगी उसको टच नहीं करना है, उसको अगर आपने टच किया है, पैर अगर उसके एकदम टच किया है तो फाउल होगा। साथ ही दूसरा फाउल ये होगा जिसमें आप गोला फेंकने के बाद अगर लाइन से बाहर चले जाते हो, वो भी फाउल है। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा ताकत के चक्कर में ज़्यादा जोर देते हैं और उससे हमारा पैर फेंकने के बाद में आगे चला जाता है या बॉडी आगे चली जाती है या गिर जाते हैं कई बार बच्चे, तो वो नहीं करना है, अपना बैलेंस बना के रखना है। ज़्यादा वेट आपको पिछले पैर पे रखना है, चलाते रहो हाथों को, हाथ ऊपर रखिए, हाथ चलाइए,
शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। देखिए सामने रखिए हाथ, सामने रखिए, सामने रखिए हाथ, शाबाश। खोलिए अंगुलिया, कलाई घुमाओ, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। चलाते रहो हाथों को, चलाते रहो, शाबाश। मिट्टी लगा लीजिए, हाथों की मिट्टी लगाइए, मिट्टी लगा के फिर फेंकना है, शाबाश शाबाश शाबाश। लाइन पे नजर रखिए, जहां फेंकना है वहीं देखना है, उससे नीचे पहले नहीं गिरना चाहिए, शाबाश। ऐसे नहीं बेटा, थोड़ा सा सीधा फेंक रहे हो आप, थोड़ा सा और ऊपर से फेंकिए, सीधा मत फेंकिए, सीधा बाद में, सीधा फेंकते ही टच कर जाएगा जमीन, उसमें ताकत थी गोले में, गोले को हमने ताकत दी है यहां से, लेकिन वो जमीन को टच कर गया, और जमीन को टच करते ही फिर उसकी एनर्जी वेस्ट हो गई। जहां गोला गिरे वहीं टच रुकना चाहिए गोला, बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा तरीका है ये। उसके बाद जहां गोला गिरता है उससे आगे चलना नहीं चाहिए, शाबाश शाबाश। लाइन को देखिए, लाइन पे नजर रखनी है, आगे देखो लाइन, आप यहां भी लाइन का ध्यान रखिए, ये लाइन है तो यहीं से फेंकना है, बस पैर को एक को टच कर लीजिए पहले से, शाबाश, बहुत बढ़िया, पूरा शाबाश, गुड, शाबाश। चलते जाइए, देख देख के भी सीखना है आपको, देखना है इनको, जो अच्छा फेंक रहा है उसने कैसे फेंका उसको फॉलो करना है। देखिए यहां से हर आदमी की अलग अलग टेक्निक है, हर आदमी अलग तरीके से फेंक रहा है, कोई अंगुली पकड़ रहा है, कोई यहां रख रहा है, और मैक्सिमम देखो कौन किसका ज्यादा जाता है, वही आपको फॉलो करना है, देख देख के भी सीखना है। सिर्फ ऐसे आंख बंद करके फेंकने से नहीं जाएगा, ये टेक्निक सीखिए, जिसका अच्छा जा रहा है वो क्या कर रहा है, वो कितना जंप कर, कितना झुकता है, कितना उठाता है गोले को, कितनी देर रुकता है, यहाँ सारी चीज फॉलो करिए उसकी, शाबाश। जिसका अच्छा होगा उसे दो बार करवा देंगे, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, देख के सीखना उसको। तो ये था आपका गोला फेंक, छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप सबसे अच्छा फेंक पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।